करेंगे python.org में जाएंगे, डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, दो बार क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आपको इस ब्लैक फॉर्मेट में दिखेगा। आप में से कोई क्या इस ब्लैक फॉर्मेट में काम करने में कंफर्टेबल होगा क्या? नहीं होगा, ज्यादातर लोगों को फिर दिक्कत होगी। लेकिन आपको छोटे मोटे ऑपरेशन आप इसमें चला सकते हैं ब्लैक फॉर्मेट में। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए आपको दो नंबर प्लस करने हैं, तो आप क्या कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में दो नंबर लिख लिए, जैसे 2 + 5 लिख लिया और एंटर कर दिया, तो ये देखिए आपको 7 दिखेगा। दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको नोटपैड में भी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपका जीयूआई पैटर्न है, ये पैटर्न का थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। 2 + 5 किया तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर अक्सर आपको दिखेगा 7, जैसे आपको ये दिख पा रहा है। पैथन में हमसे इस तरीके का आपको एक मार्क दिखता है जिसके आगे आपको लिखना है। तो देखिएगा, अगर आप प्रिंट 2 + 5 करके 7 आता तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए C++ बहुत लंबी कोड लिखवाता था, जावा भी लंबी कोड लिखवाता था, कहीं अगर गलती से बैठ गए होंगे, पाइथन कहते कुछ मत करो ऐसे कर दो। फिर अगर आप कहेंगे सर वेरिएबल वाला नियम अगर कैसे आएगा, तो वेरिएबल के लिए आपने जैसे A = 24 कर दिया और B = आपने कर दिया 25, ठीक है, सिंपल। और प्रिंट हमने कर दिया A + B, तो ये क्या करेगा, मुझे 49 आंसर आके प्रिंट करके दे देगा। देखो कितना छोटा क्वेश्चन, थर्ड वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने नहीं किया, हमने मेन फंक्शन नहीं लगाया, हमने कोई हेडर फंक्शन नहीं लगाया, हमने ध्यान रखा कोई भी ऐसी गैर जरूरी कोडिंग नहीं की। पाइथन को पॉपुलैरिटी का मेन कारण ध्यान रखना यही है, इसने आपको फंक्शन ब्रेसेस हेडर फाइल के लॉजिक से निकाल कर सिंपल था बॉडी लिखो, क्या क्या इसने बॉडी लिखो, के आप आसपास की फॉर्मेलिटीज ज़्यादा मत करें। इससे क्या हो रहा है, समय कम लग रहा है, इससे क्या हो रहा है, लॉजिक समझने में आसानी हो रही है, इससे क्या हो रहा है, गलतियाँ भी कम होगी, और सबसे बड़ी बात क्या, कम समय में एप्लीकेशन बन के तैयार। जब कोडिंग आप कम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आप सॉफ्टवेयर बना पाएंगे ना। इसी तरीके से अगर आपको पाइथन में कहा गया कि भाई 3 नंबर्स का एवरेज निकाले, तो आप क्या करेंगे, आपने A = जैसे 20 डाल दिया, B = आपने जैसे 30 डाल दिया, और C = आपने जैसे डाल दिया आपने 40 डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने इस तरीके से प्रिंट कर दिया, प्रिंट A + B + C डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पे कर दिया 3, तो इसने यहाँ पे क्या किया 30 आंसर लिया है। कितना आसान लॉजिक है, कोई भी नया कोडर अगर पाइथन के इस लॉजिक से काम करना चालू करे तो कितने दिन में वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग वाला पार्ट आराम से अपने दिमाग में बैठा लेगा, बताओ जल्दी कर लेगा ना, टाइम लगेगा, मुझे तो लगता है एक ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा। बोला अरे ये तो आसान सा गेम है, हम डायरेक्ट वेरिएबल बनाए, वैल्यू डाले, प्लस करा के रिजल्ट प्रिंट करा दें, ठीक है। तो पाइथन में ध्यान रखना, जो ऑपरेशन पार्ट को इतना इजी कर दिया गया कि आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत कभी होगी नहीं, ठीक है। तो जो भी आप इसे फर्स्ट अभी जो अभी अभी आए हैं, सभी इसकी एक कोडिंग की फोटो क्लिक कर ले, कॉपी में इसको लिख लेंगे, ठीक है।